हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना पायरेट्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023-2024 मैच के बारे में। तो गाइस, प्रो कबड्डी का यह 89th मुकाबला जो कि खेला जाएगा रात को 8 बजे से और दिन का यह पहला मैच रहने वाला है। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में यह मैच होने वाला है और ये जो मुकाबला है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों टीमें टक्कर की हैं। इस साल दोनों टीमों ने 14 मुकाबले खेले हैं और जीते हैं दोनों ने 6 मुकाबले। पॉइंट्स टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर 7 और 8 के आसपास की रैंकिंग है। 7 पे बंगाल वॉरियर्स है और 8 पे पटना पायरेट्स है, यानी लगभग टक्कर की टीमें हैं। 14 मैचेस में से दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस को जीता है। 14 में से 6-6 मैचेस यानी 50% से भी कम विनिंग है दोनों टीमों की, ठीक है। इसके अलावा बंगाल वॉरियर्स थोड़ा सा ऊपर है, 2 इनके मैच ड्रॉ भी हुए उसमें और 1 इनका ड्रॉ हुआ था। तो कहने की बात यह है कि मैच टक्कर का होगा। कह सकते हैं कि 52% इनके चांस है, 48% इनके चांस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दोनों टीमें अच्छी हैं, ठीक है, एक टक्कर का मैच देखने को मिलेगा। आगे हम टीमों की बात करें, इससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना। टेलीग्राम का हमारा चैनल यह है कबड्डी एक्सप्रेस, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे ऊपर मेरा कमेंट मिलेगा जिसको मैंने पिन किया हुआ है, उस पिंड कमेंट पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि उसमें लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, आपको मिल जाएगा इस टाइप का कुछ लिंक होगा। आप चाहें तो @कबड्डी एक्सप्रेस लगा के टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर तरीका वो लिंक से ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गलत चैनल से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल्स भी बना रखे हैं। तो जेन्युइन चैनल आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन के लिंक से, ठीक है। अच्छा, उसी लिंक के जस्ट नीचे एक लिंक और है MyFave11 एप्लीकेशन का, जिसपे आप साइन अप कर सकते हैं। रेफर कोड FX जो भी लगाएगा उसको बोनस फ्री एंट्री गिवअवेज एक्स्ट्रा मिलता है और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो रेफर कोड FX लगाना मत भूलना, FX कोड लगा के साइन अप करना। और इस ऐप पे मैं आपको बता दूं, MyFave11 ऐप पे GST ये लोग आपका खुद देते हैं, एंट्री फी भी कम है और इसके अलावा कुछ आपके लिए वॉलेट ऑफर्स चलते रहते हैं। इस टाइम पे यहां पे 31 जनवरी 2024 तक चल रहा है Paytm वॉलेट ऑफर, जिसमें 149 या उससे ज्यादा के डिपॉजिट पे आपको 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। तो इसको ट्राई कीजिए, काफी अच्छी ऐप है कबड्डी के लिए। अब बात करते हैं इस मैच की, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स। अब देखते हैं बंगाल वॉरियर्स की रेडिंग पिछले मैच में कितनी परसेंट कहां से हुई थी। तो बंगाल वॉरियर्स ने पिछले मैच में श्रीकांत यादव को खिलाया और 28% रेडिंग, अप्रोक्सीमेटली 27-28% रेडिंग श्रीकांत यादव लेफ्ट से करके गए। लेफ्ट से ही अकेले ही रेडिंग करते हैं, तो लेफ्ट जो रेशो है वो हमेशा 25-28% के बीच में होता रहता है। और राइट रेडिंग 72% पिछले मैच में हमने देखी, अप्रोक्सीमेटली 72% से 75-78% तक रेडिंग आप राइट से देखते हैं बंगाल वॉरियर्स की, जिसमें उनके मेन रेडर है मनिंदर सिंह, जो राइट से ऑलमोस्ट टीम की 45-50% रेड अकेले ही कर जाते हैं। इसके अलावा नितिन कुमार धनकर है, विश्वास एस है, महारुद्र गर्जे हैं, सब राइट रेडर्स हैं। तो इतने सारे रेडर्स हैं राइट सेक्शन पे, जिसमें मेन रेडर इनका जो है वो मनिंदर सिंह है और उसके बाद नितिन कुमार धनकर आजकल थोड़ी सी कम रीडिंग कर रहे हैं, बट पहले अच्छी कर रहे थे। इसके बाद विश्वास एस है, महारुद्र गर्जे हैं। तो ये इतने सारे जो है राइट रेडर्स हैं इनके और ये सेक्शन में रीडिंग करेंगे, यानी ये वाला सेक्शन जो है वो रेडर्स से क्राउडेड होगा और इस सेक्शन में रेडर्स अच्छी खासी रीडिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट डिफेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो अंकित का देखने को मिलेगा, फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस आप जिसको कहते हैं, अंकित का संदीप कुमार के साथ। संदीप कुमार के साथ अंकित जो है फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको देखने को मिलेंगे पटना की तरफ से। फिर आपको सचिन तनवर देखेंगे जो कि विदाउट एनी चेन खेलेंगे। फिर आपको कवर्स की जोड़ी में बाबू एम देखेंगे जो पिछले मैच में काफी अच्छा खेले थे, और नीरज कुमार देखेंगे। बाबू एम के पिछले मैच में अच्छे खेलने के चांसेस इसलिए भी बढ़ गए थे क्योंकि लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा हो रही थी, तो बाबू के लिए थोड़ा इजी था लेफ्ट रेडर्स को पकड़ना, बट इस बार राइट से रेडिंग ज्यादा है तो नीरज कुमार आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसलिए मैंने यहां पे एरो भी लगा दिए। नीरज कुमार के लिए इन रेडर्स को पकड़ना थोड़ा सा इजी होगा। ऐसे अंकित के पास भी काफी मौके होंगे इन रेडर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि 72-75% रेडिंग इसी साइड से होनी है, तो हर बार अंकित तो सामने आएंगे ही आएंगे। यहां पे मंजीत और कृष्ण धुल की जोड़ी जो है वो लास्ट चेन ऑफ डिफेंस यानी थर्ड चेन ऑफ डिफेंस में आपको देखने को मिलेगी, जहां पे कृष्ण धुल को एडवांस जाके टैकल ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि इनके जोन में रेडिंग थोड़ी सी कम है। तो सामने श्रीकांत यादव आएंगे और बाकी सारे रेडर्स को पकड़ने के लिए धुल को यहां पे जाना ही पड़ेगा। धुल बहुत अच्छे फॉर्म में है इस साल और इस टीम के सबसे बढ़िया डिफेंस प्लेयर भी साबित हुए इस साल कृष्ण धुल, और अंकित का भी फॉर्म पिछले कुछ मैचेस से काफी ज्यादा सुधर गया है। तो आप समझ गए, कहने की बात यह है कि बंगाल वॉरियर्स का राइट रेडिंग सेक्शन हैवी है, जिसके चलते अंकित आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, उन्हीं की साइड से सारी रेडिंग होनी है।
और राइट कवर नीरज कुमार भी इस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और क्रिशन धूल तो टीम के लिए अच्छा कर ही रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि एडवांस टैकल्स भी इनके अच्छे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीन प्लेयर हैं आपके लिए डिफेंस सेक्शन से। बाबू एम को आप चाहें तो इस मैच के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, पिछले मैच में वो अच्छा खेले नो डाउट, बट उसकी साइड से रीडिंग भी उस मैच में ज्यादा हो रही थी, बट इस बार नहीं। इस बार बाबू को जो है वो एंगल्स बेटर नहीं मिलेंगे, उनके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, उनसे बेटर नीरज आपके लिए कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बंगाल वॉरियर्स के रेडर्स के सामने पटना के डिफेंस की। अब पटना के रेडर्स के सामने बंगाल का क्या डिफेंस बनता है वो भी एक बार हम देखेंगे, उस पर भी हम एक बार नजर डालेंगे। तो पटना पायरेट्स की पिछले मैच में तकरीबन कहां से कितने परसेंट रेडिंग हुई, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो पूरी 100% रेडिंग ही जो है, थोड़ा बहुत देखिए लेफ्ट से भी मूवमेंट हो जाता है राइट रेडर का, बट आप उसको काउंट मत करो, आप मान के चलो 99-100% रेडिंग राइट से ही हुई थी पिछले मैच में, और राइट जो रेडर्स हैं उन्होंने ही की थी, जिसमें सचिन तनवर जो है वो मैक्सिमम रीडिंग करके जाते हैं, फिर मंजीत कुमार हो गए, और फिर यहाँ मंजीत दाहिया हो गए, और फिर संदीप कुमार हो गए। तो यही लोग मेनली इस टीम की रीडिंग करते हैं। लेफ्ट साइड से सुधाकर एम खेले नहीं थे पिछले मैच में, जिसके चलते अप्रोक्सीमेटली 0% रीडिंग लेफ्ट से देखने को मिली थी। तो ये वाला सेक्शन आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पिछले मैच में बंगाल जो खेली थी वो राइट रेडर्स के सामने खेली थी, तो राइट रेडर्स के सामने आपने देखा था वैभव गर्जे ने अच्छा किया था, आदित्य शिंदे ने अच्छा किया था, शुभम नहीं अच्छा कर पाए थे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप शुभम शिंदे को छोड़ देंगे। इस सीजन के बंगाल के सबसे अच्छे प्लेयर डिफेंस में शुभम शिंदे साबित हुए, तो आप ये मान के चलो राइट रेडिंग हैवी है पटना पायरेट्स की, जिसमें आपको यहां पे सचिन तनवर देखने को मिलेंगे, ठीक है, सचिन तनवर के बाद आपको मंजीत दाहिया देखने को मिलेंगे, इसके बाद आपको यहां पे संदीप कुमार देखने को मिलेंगे। इतने सारे राइट रेडर हैं जो रीडिंग कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 90-100% रीडिंग यहीं से हो रही है। अगर सुधाकर एम खेलेंगे तो ही लेफ्ट से कुछ रीडिंग होगी, वरना आप मान के चलो कि पटना की रीडिंग लेफ्ट से कुछ होगी नहीं, मेनली राइट से ही होगी। अब यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर हैं जो इनको टैकल करेंगे, सबसे पहले आते हैं आदित्य शिंदे। बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, बट पिछले मैच में भी 3 टैकल तो कर ही लिए थे, और रीजन क्या था कि उनकी साइड से रीडिंग ज्यादा हो रही थी, और ये फायदा तो मिलता ही डिफेंस प्लेयर्स को। तो आदित्य शिंदे और नितिन कुमार धनकर जो है वो आपको फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में देखने को मिलेंगे, जिसमें आदित्य शिंदे के पास काफी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं पूरे मैच में ही इनके पास ऑप्शन होगा इन प्लेयर्स को पकड़ने का, हर बार मौका होगा, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे अच्छे खासे ये टैकल्स करेंगे, 6-7 टैकल करेंगे, तो 3 अगर सक्सेसफुल कर भी दे, 2 सक्सेसफुल कर भी दे, तो एक अच्छे पिक होंगे। फिर आपको यहां पे मनिंदर सिंह देखने को मिलेंगे, जो कि विदाउट चेन खेलेंगे। फिर आपको कवर्स की जोड़ी से जसकीरत सिंह और वैभव गर्जे की आपको जोड़ी देखने को मिलेगी कवर्स में, जिसमें वैभव गर्जे का फॉर्म पिछले कुछ मैचेस से काफी सुधर गया है, और पिछले मैच में भी गर्जे ने 5-6 टैकल्स करे थे, शायद 4 टैकल या 1 सुपर टैकल ऐसा कुछ था, तो 4-5 टैकल करे थे। तो वैभव गर्जे अच्छे फॉर्म में है, और इस मैच में भी मुझे लग रहा है कि वैभव गर्जे जो है वो इस मैच में इन प्लेयर्स को टैकल तो करेंगे इन पे, और सक्सेस भी जा रहे हैं उनके, तो अगर 6-7 टैकल करेंगे तो 3 सक्सेसफुल टैकल इनके हो सकते हैं। तो वैभव गर्जे आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट है। जसकीरत सिंह को आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, आदित्य शिंदे से बेटर खेलने के चांस वैभव गर्जे के रहेंगे। श्रीकांत यादव और शुभम शिंदे की आपको लास्ट चेन ऑफ डिफेंस देखने को मिलेगी, जिसमें शुभम शिंदे को एडवांस जाके ही टैकल करने पड़ेंगे अगर कोई लेफ्ट रेडर पटना से नहीं खेलता है, ठीक है, तो उनको आगे बढ़ के खेलना ही होगा। और शुभम शिंदे को आप पिछले मैच के परफॉर्मेंस से ये मत सोचना कि छोड़ देंगे, क्योंकि शुभम शिंदे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर साबित हुआ है इस बार बंगाल वॉरियर्स का, और पूरे व्यू प्रो कबड्डी में अगर आप राइट कॉर्नर देखेंगे तो शुभम शिंदे टॉप 3 में तो आएगा ही आएगा। तो शुभम शिंदे अच्छे प्लेयर हैं, एडवांस जाके टैकल करेंगे, एक आधा मैच खराब हो जाता है बट इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से प्लेयर, आदित्य शिंदे, बट उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैभव गर्जे हैं। मान के चलिए कि वैभव गर्जे और शुभम शिंदे की इंपॉर्टेंस इक्वल है, आप इतना मान के चलो, और आदित्य शिंदे की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम ही होगी, क्योंकि स्किल वाइज थोड़े से आप कह सकते हैं शुभम शिंदे वैभव गर्जे के लेवल पर नहीं खेल पा रहे, बट हाँ उनकी साइड से रेडिंग ज्यादा होगी तो वो बेनिफिट उनको वहां पर मिलेगा। तो आप समझ गए पटना की राइट रेडिंग हैवी है, और इसके चलते आदित्य शिंदे को थोड़ा बेनिफिट होगा, वैभव गर्जे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, और शुभम शिंदे का फॉर्म भी अगर आप देखें तो वो भी कुछ ना कुछ करके एडवांस टैकल कर ही लेंगे, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत थी रहेगी नहीं। अब हम आगे चलते हैं और टीमों की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टीम बनेगी, हम 4 टीम आपको बना के यहां पे देंगे। सबसे पहली टीम में हम बंगाल को फेवरेट मानेंगे, दूसरे में पट्टा को फेवरेट मानेंगे, फिर अटेम्प्ट्स वाली टीम बनाएंगे, फिर फॉर्म वाली। सबसे पहले अगर बंगाल इस मैच में जीतती है, पटना लूज करती है और बंगाल जीत जाती है, विनिंग करती है, तो बंगाल फेवरेट अगर आप टीम बना रहे हैं, एक टीम आप बैकअप में ऐसी बना के रखिए जिसमें आपके कैप्टन मनिंदर सिंह हो और वाइस कैप्टन आपके वैभव गर्जे हो। वैसे ही वैभव गर्जे के पास आज अच्छे मौके होंगे, फॉर्म में भी वैभव गर्जे, तो बंगाल की टीम खेलेगी तो मनिंदर सिंह को परफॉर्म करना चाहिए और वैभव गर्जे को परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य शिंदे की साइड से रेडिंग है तो इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और शुभम शिंदे को भी एडवांस टैकल करना
करने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे चार प्लेयर जो है वो ले लिए बंगाल के, कोई बंगाल फेवरेट मान रहा हूँ। और नॉन फेवरेट अगर होती है पटना टीम, अगर हार जाती है तब भी आपको सचिन तन्वर को तो नहीं छोड़ना है और अंकित धुल को भी नहीं छोड़ना है। इन लोगों ने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए और बाय चांस अगर उनकी टीम हार भी जाती है तब भी कुछ ना कुछ फैंटेसी पॉइंट आपको देके जाएंगे। अब क्योंकि बंगाल फेवरेट टीम थी इसलिए कैप्टन मनिंदर, वाइस कैप्टन गर्जे बनाए। आप वैभव गर्जे, मनिंदर सिंह और शुभम शिंदे में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं बंगाल फेवरेट टीम में। अब पटना फेवरेट टीम की बात करते हैं तो इसमें हम चार प्लेयर पटना के लेंगे। कौन कौन से प्लेयर? सचिन तन्वर, अंकित, कृष्ण धूल और नीरज कुमार को भी ले लेंगे क्योंकि सामने से राइट रेटिंग ज्यादा है और नीरज कुमार टीम के राइट कवर है। इतना भी खराब नहीं खेले, कुछ एक दो मैच आखिरी के इनके थोड़े से एवरेज गए जरूर है बट नीरज कुमार अच्छे डिफेंस प्लेयर है। फिर सामने वाली टीम अगर हारती है तब भी मनिंदर सिंह के चलने के चांसेस तो हैवी होंगे। आदित्य शिंदे अच्छा कर सकते हैं, वैभव गर्जे कर सकते हैं। आप चाहो तो आज शिंदे की जगह शुभम शिंदे को भी ले सकते हो पटना फेवरेट टीम में। ये आप एक चेंज चाहो तो कर सकते हो, इससे दो टीम बना सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि पटना फेवरेट टीम हम मान रहे हैं तो सचिन तन्वर को चलना पड़ेगा, कैप्टन करते सचिन तन्वर को और वाइस कैप्टन अंकित को करते हैं। आप चाहो तो इनके जो बेस्ट डिफेंस है कृष्ण धूल उनको भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो पटना फेवरेट टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तीन ऑप्शन है, सचिन तन्वर, अंकित और कृष्ण धूल। अगर पटना अच्छा करती है तो ये टीम अच्छा कर सकती है। अब तीसरी टीम की बात करते हैं जो है अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे प्लेयर्स के अटेम्प्ट्स, फॉर्म नहीं देखेंगे। अटेम्प्ट्स किनके ज्यादा है आपको बता चुका हूं, अंकित और नीरज कुमार, इनको काफी मौके मिलेंगे इस मैच में डिफेंस करने के और टैकल्स में पार्ट लेने के। और वैसे आदित्य शिंदे और वैभव गर्जे का हाल रहने वाला है और दोनों टीम के मेन रेडर्स को भी हमने टीम में सिलेक्ट किया। अब एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमें लेना था तो हमने उसमें शुभम शिंदे को ले लिया। आप शुभम शिंदे को नहीं लेना चाहते तो आपके पास ऑप्शन में कृष्ण धूल भी होंगे, कृष्ण धूल या शुभम शिंदे, एक प्लेयर को आप ले लेना। मैंने शुभम शिंदे को लिया है क्योंकि मेरे पास दोनों को ही इस मैच में एडवांस टैकल करने पड़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप किसी को भी ले लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शुभम शिंदे थोड़ा सा बेटर खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में तो उनकी उनको मैं जगह दे रहा हूं टीम में, अटेम्प्ट्स वाली टीम में। बाकी अटेम्प्ट्स में ये चार प्लेयर आपके पास होने चाहिए, दो ये रेडर होने चाहिए क्योंकि इनके ही सबसे ज्यादा चांसेस हैं अटेम्प्ट्स करने के और रेडिंग वेडिंग करने के और डिफेंस करने के। अब आखिरी टीम हमारी जो बनेगी वो फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स की टीम है जिसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे फैंटेसी पॉइंट्स किसने ज्यादा दिए और कितने कम मैचेस में दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं वैभव गर्जे हमारे टीम में जगह बना पाए, कृष्ण धूल बना पाए, शुभम शिंदे बना पाए, आदित्य शिंदे को भी ले लिया क्योंकि कम समय में इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और थोड़ा सा क्रेडिट का भी इशू था। अंकित को हमने टीम में पिक करा, दोनों मेन रीडर अपनी टीमों के मनिंदर सिंह और सचिन तन्वर को टीम में पक करा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट किनके हमें देखने को मिले? सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दोनों टीमों में सचिन तन्वर और शुभम शिंदे के देखने को मिले क्योंकि इन लोगों ने परफॉर्म भी किया है। कुछ मैचेस में बीच में आप देख रहे थे सचिन जो है 6-6, 8-8 रेड पॉइंट लाई रहे थे और 2-2, 3-3 सक्सेसफुल टैकल भी करके जा रहे थे जिसके चलते सचिन तन्वर की फैंटेसी पॉइंट बहुत बड़े हैं। तो लॉन्ग टर्म में इस प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया है इसलिए कैप्टनसी का और वाइस कैप्टनसी की ये दो बहुत अच्छे दावेदार हैं फॉर्म वाली टीम में। कल के मैच में भी हमारी फॉर्म वाली टीम बहुत अच्छा करके गई थी, आपने अगर सागर को फॉर्म वाली टीम में देखा हो, अपने कैप्टन किया था। तो यही होता है लॉन्ग टर्म में टीम बनाने का एक अलग फायदा है, अटेम्प्ट्स वाली टीम बनाने का एक अलग फायदा है, दोनों टीमों की एक एक फेवरेट टीम बनाने का अलग फायदा है। तो इस टाइप से आपकी चार टाइप की टीम बनेगी और जब आप इन चार टाइप की टीमों से 8 और 16 टीम निकालोगे तब जीतोगे आप ग्रैंड लीग। तो आप यही करो कि आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखो, समझो अब इन टीमों में क्या क्या चेंज होना है। तो एक एक एक्स्ट्रा टीम और बना लो इनसे, आप कप्तानी वाइज कप्तानी बदल सकते हो, एक आध दो प्लेयर के चेंजेस कर सकते हो, तो ऐसे आपकी टीम बढ़ेंगी और जितनी टीम आप बढ़ाओगे, जितना आप सोच पाओगे ग्रैंड लीग के आप उतने पास पहुंचोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।